₹2500 डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ देख रेडवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर से लेके आपको एक्सेल होंडा पे, हाथ में अवनीत पाजी। डाउन पेमेंट के साथ ईएमआई का सब कुछ बता देंगे, ठीक है, कितनी पड़ेगी जी। फिर एक उससे पहले बस स्टोर की लोकेशन समझा दो आप। अवनीत सिंह चंडोक नाम है मेरा, मोतीनगर एक्सेल होंडा शोरूम है हमारा, जो कि मेन रोड पे मोतीनगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल जस्ट सामने है। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9654941488। ये नंबर पूरे टाइम आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, तो देर नहीं करते हैं भैया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, नीचे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा टायर है जो कि 12 इंच का आता है, जिसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर रहता है। ट्यूबलेस टायर के बेनिफिट ये रहते हैं, किसी भी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, आप नियर बाय अपने 10 से 12 किलोमीटर तक आप किसी भी रेजिडेंस पर हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आप देखोगे, ये डिस्क पैडल है जो कि हमारी 120 mm की होती है। 20 mm के डिस्क के साथ साथ आपको न्यूटन की जो हमारी जो ब्रेकिंग आ रही है, कंपनी का नाम है नेक्सॉन। नेक्सॉन के साथ अगर आप इसके साथ ही देखेंगे तो ये हमारा टेलीस्कोपिक शॉकर है, जो कि पहले बाइक्स वगैरह में भी आता था, अब होंडा के एक्टिवा स्कूटर्स वगैरह सब जगह आ रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपके टेलीस्कोपिक शॉकर होने के साथ साथ इसमें आपको एक तो रोड ग्रिपिंग अच्छी मिल जाती है, आपके बैकबोन में पेन नहीं होता है, और काफ़ी सारी जो आपको रोड की जैसे गड्ढे वगैरह होते हैं, गाँव वगैरह में हम जाते हैं, उस जगह में आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है। इसके बाद अगर आप सब देख सकते हैं तो ये आपका मफलर है जो कि अपना एक अच्छे लुक में दे रखा है, और फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये ABS फाइबर के अंदर आता है, जो कि अगर आप देखोगे तो कितना भी अगर हम गाड़ी से टकरा जाए आगे वाली से तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, जिससे आपकी गाड़ी के फोर व्हीलर से बम्पर बनता है, ये वो चीज़ है। इसके बाद साइड में ये आपका ये रिफ्लेक्टर दे रखा है कि जो रात में आपको एक बता देगा अगर लाइट पड़ रही है, कुछ पड़ रहा है, कोई चीज़ आपके आसपास खड़ी है, जिसमें रिफ्लेक्ट पड़ने पर आपको एक रिफ्लेक्ट आएगा। अगर उसके बाद देखेंगे तो ये LED हेडलाइट्स है हमारी, जिसमें आपके 7-8 बल्ब हमारे लैंप्स होती हैं अंदर, जो कि अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी सी अंदर आपको दिखाई भी देंगी, जलाने पर ये कुछ तरह आपको इस तरह की आपको शो करेंगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो नया डिज़ाइन आया है, जो कि आपका एक अच्छा स्पोर्ट्स लुक एडिशन दे रहा है, जिसमें हमारा लिखा हुआ है ग्राजिया 125 स्पोर्ट्स एडिशन। स्पोर्ट्स एडिशन में ये कुछ चीज़ें ग्राफिक्स वाला कुछ चेंज किए, जो कि आपके इसी सेम कलर की आपको हम थोड़ी देर बाद जो दिखाएंगे, आपको पीछे की ग्रैब रेल भी दिखेगी। जैसे आप देख रहे हो ये हैलोजन आपके इंडिकेटर से, जो काफ़ी आपको अट्रैक्टिव है और दूर से आपको बड़े हैं और ब्रॉड भी हैं। इसके बाद DCM आपकी जो हेडलैम्प आती है, इसको हम ये आपको एक अलग से एक लुक देगी आपको, जो कि आपकी काफ़ी थोड़े से एक मफलर के नीचे दे रखी, जो कि एक अलग से आपको लुक दे रही होती है। इसके बाद ये वाइज़र है हमारा छोटा सा, जिसमें आपको अच्छा एक लुक स्पोर्ट्स लुक, जो कि आपका ये वाइज़र ये इसलिए छोटा दिया जाता है क्योंकि ये एरोडायनामिक होता है, जो हवा लगती है गाड़ी के ऊपर वो आपको बैलेंसिंग ख़राब ना हो, ताकि वो कट के सीधा आपकी बाहर निकल जाए। इसके बाद अगर हम इस तरफ आते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में हमारी तीन चीज़ें दी हुई हैं, तीन चीज़ें ये हमारे इंडिकेटर के लिए स्विचेस हैं, जो कि अगर आप दबाएंगे तो आपको यहीं से ये किल स्विच का काम करती है। इसके ऊपर ये हेडलैम्प्स है, हेडलैम्प्स को आपको बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटेड स्विच है, जो कि आपको ऐसे करने भी आप हेडलाइट पासिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लस यहीं पे आपके हॉर्न के लिए भी हमने दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, हमारा ये ग्लव बॉक्स है जो कि काफ़ी बड़ा है, जो कि इसमें आप देख सकते हो 1 लीटर तक की बॉटल आ सकती है, उसके बाद भी इसमें स्पेस इतना कि अगर आप छोटा मोटा और भी कुछ सामान देखो आप, जितना कि मेरा हाथ कम से कम आधे से ज़्यादा चला गया इसके अंदर अभी भी, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है। ये देखिए, अगर आप अंदर से भी देखना चाहें तो ये काफ़ी इतना डीपर है और इतना आपको मिल सकता है। प्लस इसके साथ आपको अगर आप अपने चार्जर सॉकेट लगवाना चाहते हैं तो चार्जिंग के लिए हमारे यहीं पे स्लॉटर दिया हुआ है, ये चार्जिंग स्लॉटर है, इसको आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे अपना चार्जर भी लगवा सकते हैं, ताकि फ़ोन इजीली आप आराम से इसमें रख दें तो कोई चार्ज भी होता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं, और उसके अलावा भी कोई सामान रखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लस आप साथ में रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। इसके बाद यहाँ पे डबल हुक लॉक दे रखा है, पहले हम देखते थे स्कूटर्स में सिंगल लॉक आता था कि बंदा यहीं टांग लेता था, फिर बाद में यहाँ टांग रहा है, वहीं कहीं और टांग रहा है, यहाँ टांग रहा है, यहाँ टांग रहा है, अब इसमें डबल लॉक हुक दे दिया। एक लुक यहाँ पे है, एक हुक आपने जैसे देख लिया मेरे यहाँ पर है, दूसरा हुक मेरा यहाँ पर है, ये चीज़ है जो कि अलग से है, जो कि बॉडी के साथ अटैच है, जो कि आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप बंद भी कर दोगे तो ये अब आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ है या नहीं है। उसके बाद अगर हम फ्लोर स्पेस पे आते हैं तो फ्लोर स्पेस थोड़ा सा इसमें से हार्डली 4-5 इंच पहले से बढ़ चुका है। प्लस ग्राउंड क्लीयरेंस जो अगर आप देखोगे तो ग्राउंड क्लीयरेंस 171 mm की है इसकी, जो कि आपकी ज़मीन से एक आपकी फ्लोर की दूरी है वो 171 mm की है। इसके बाद अगर हम आते हैं इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आपके ये आपका ये हमारा मीटर है, जो कि काफ़ी ब्रॉड है। ब्रॉड मीटर के साथ साथ इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो कि अगर आप देखोगे ये मीटर आपको शो कर रहा है सारी चीज़। ये आपकी इको की लाइट जलती है, जिसमें आपकी इको में क्या रहता है, ये लाइट जली जो आपकी ग्रीन वाली, अभी इसमें ये रहता है कि आपकी जो इको मोड में चलेगी गाड़ी तो आपको कोई साउंड पोल्यूशन ये चीज़ें आपको गाड़ी में नहीं मिलेंगी, सेम फ्लैट रहे।
प्लस अगर आप मीटर देखोगे तो मीटर के अंदर आपको तीन चीज़ें तो नॉर्मल मीटर शो करता है, जिसमें आपकी टाइम, किलोमीटर और आपका फ्यूल रहता था। अब इस मीटर में आपको एडवांस में तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय दिख रहा है आप, मैं शुरू से आता हूँ, 5 किलोमीटर अभी गाड़ी चली आपकी, सिर्फ 5 किलोमीटर गाड़ी चलने पे आपकी ये आपका आ रहा है किलोमीटर ऑब्लिक लीटर, मतलब कितने किलोमीटर पे आपकी इस समय रनिंग टाइम पे एवरेज गाड़ी दे रही है, ये वो चीज़ शो करेगा। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो ये एक्चुअल एवरेज दे रही है, मतलब 5 किलोमीटर की जो आपकी गाड़ी चली उसमें 27.1 की एवरेज इस समय ये गाड़ी दे रही है। इसके बाद ये चौथी पांचवी और छठी चीज़ जो है कि ये है रेंज, कितने किलोमीटर का आपका पेट्रोल बचा ये आपको वो भी शो करेगा बकायदा, कितना चल सकता है, कितना और आपके पास अवेलेबल फ्यूल है, जो कि आपके नियर बाय पेट्रोल पंप जो आपको पता है 4 से 5 किलोमीटर के अंदर हो जाता है, तो आपको यहाँ पे शो कर देगा 30 किलोमीटर चलने वाली, 10 किलोमीटर बची है, 5 बची है, 4 बची है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको शो करेगा। ये एक यूनिक चीज़ है, ये बहुत कम आता है, क्योंकि ये होंडा की सिर्फ गाड़ियों में आता है और किसी गाड़ी में अभी तक नहीं आया। अब जैसे कि आपने मीटर हमारा देख लिया था, इसके बाद हम एक नेक्स्ट सेगमेंट चलते हैं, तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है, ये है हमारा इंटीग्रेटेड स्विच है, जो कि आपका ESP है, जैसे आप देख रहे होंगे ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट में यह कि 6 सेकंड जैसे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही होगी रनिंग कंडीशन में, 30 डिग्री टू 40 डिग्री के टेम्परेचर में जब रहेगी गाड़ी आपकी, तब आप जैसे खड़ा करते हैं और साइड में खड़े होते हैं तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद होने का कारण यह है, एक तो आपका फ्यूल कंजम्पशन रहेगा, दूसरा यह है कि आपको वेस्टेज ऑफ आपकी जो टाइम, बार बार आपको रेस या देखे आपको बार बार सेल्फ मोटर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपकी नॉर्मल आप रेस देंगे गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ ये सिर्फ तब तक काम करे जब तक ये आपका ऑफ नहीं कर रहा, जिस समय आपने ये ऑफ कर दिया आपकी ये फंक्शन काम करना बंद, फिर आपको सेल्फ के नॉर्मल जैसे आप सेल्फ कर रहे सेल्फ से ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी करी है। इसके बाद अगर हम आते हैं, ये हमारा 5-in-1 लॉक सिस्टम है। 5-in-1 लॉक सिस्टम का मतलब है कि पहले में हमारा इग्निशन ऑन होगा जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, दूसरे में अगर हम ऑफ करेंगे तो हमारी दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऑप्शन वर्क की जो हैं खुलेंगी, नीचे अगर आप ऊपर प्रेस करेंगे तो फ्यूल खुल जाएगी और नीचे प्रेस करेंगे तो आपकी सीट खुल जाएगी। और इसके बाद अगर आपने ये बंद कर दिया तीसरे पे तो ये दोनों में से स्विच काम करने बंद कर देंगे, अब ये कुछ नहीं काम करेगा, ये तीसरा लॉक हो गया। चौथे लॉक पे आपकी हैंडल लॉक हो जाएगा, पांचवे लॉक पे आपका शटर लॉक हो जाएगा। शटर लॉक जो है वो आप देख सकते होंगे हमारी चाबी के बीच में ये यू टाइप बना होता है, ये यू साइन जो बना हुआ है, ये इसी चाबी को अगर हम इस रिफ्रैक्टर के जहाँ पर ये खाली जगह बनी हुई है यहाँ पर आप लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये दोबारा खुल जाएगा, और ये सिर्फ इसी चाबी से खुलेगा, इसी गाड़ी की दूसरी किसी चाबी से नहीं खुलेगी। ये मैं अगर ये दूसरी चाबी भी लगाऊंगा तो भी नहीं खुलेगा। इसके बाद अगर आप सीट पे देखेंगे तो सीट भी हमारी काफ़ी वाइडर हो गई है, जो कि पहले 769 थी, अब ये आपकी करीबन आपकी 775 की अप्रॉक्स हो गई है, थोड़ी सी लंबी कर दी है, थोड़ी सी ये है कि और काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दी है। प्लस उसके अलावा अगर हम अब सीट के अंदर जाते हैं तो सीट के अंदर भी काफ़ी सारी आपका अंडर सपोर्ट, जिसको हम बूट स्पेस कहते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया पहले से, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले देखते थे यहाँ पे टैंक साइज़ होता था, टैंक होता जिससे ये थोड़ा सा छोटी होती थी, अब जैसे कि हम पे यहाँ से टैंक हट गया है उसकी जगह भी इसने ले ली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यही बैक साइड पर हमारा ये हमारा फ्यूल टैंक है, जो कि मैंने बताया था जहाँ से आपको कि आगे की तरफ से वो ओपन हुआ। डबल लॉक सीटर, सिंगल लॉक ये पहला खुला दूसरा खुला तब आपका ये निकलेगा। कहीं होता है कि अपने पास ऐसे करा निकल गया, ये नहीं निकले, ये आपका एयर टाइट हो जाएगा, अभी आपका पेट्रोल उड़ने के भी चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, और बॉडी से अटैच है तो इसलिए आपको दूर से पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे आपका पेट्रोल टैंक है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि आगे वाला जो मैंने आपको एक टाइम पे पोर्शन बताया था कि जो ग्रैब रेल मैच करेगी हमारे आगे वाले मफलर से, वो ये सेम चीज़ है, जो ये स्पोर्टी ग्रैब रेल है, जो कि स्प्लिट एंड अलॉय स्प्लिट व्हील्स हैं। आप नॉर्मल स्पोर्टी गाड़ियों में देखोगे तो ये स्प्लिट ही मिलेगी आपको, नॉर्मल आप एक्टिवा में देखोगे तो वो पूरी बंद होती है, पूरी बंद होती है, ये आपको स्प्लिट मिलेगी। स्प्लिट मिलने के कारण ये थोड़ी सी आपको अट्रैक्टिव लुक देती है, स्पोर्टी लुक भी देगी। वही सेम स्टिकर आपके जो हमने आगे दिए थे वही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, होंडा स्पोर्ट्स एडिशन आपका ग्राजिया। प्लस इसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो ये पहले प्लास्टिक में देते थे हम लोग, इसको मफलर कहते हैं, जिसमें आपके साइलेंसर कवर जिसको भी कहता है कोई मफलर कहता है, पहले ये प्लास्टिक में होता था जो कि लगते सारी टूट जाता था, अब ये आपका आप चेक करेंगे तो ये आपका मेटल में आ गया। मेटल में आने के साथ साथ इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ गया है और चौड़ा भी हो गया, ताकि कस्टमर के पैर वगैरह गर्म सेक वगैरह ना लगे। सेम साइज़ अगर आप देखेंगे अगर हम टायर पे आते हैं तो टायर पे भी हमारा थोड़ा सा ये है रहेगा, ये हमारे पीछे भी अलॉय व्हील है प्लस, लेकिन एक छोटी ये चीज़ है, ये आपका 10 इंच का, आगे वाला 12 इंच का होता है, पीछे वाला 10 इंच का होता है, ट्यूबलेस टायर और आपका 90/100 का। बैकलाइट अगर आप देखेंगे हमारी जो बैकलाइट है वो भी हमारी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसमें आपका ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो लाइट नहीं है ये रिफ्लेक्टर है, लोगों को अगर दूर से लाइट लग रही होगी तो ये लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टर है बकायदा, लाइट सिर्फ जो है वो इस पोर्शन में ही है,
और काफ़ी ब्रॉड दी हुई है, जिसके साथ साथ नीचे की तरफ भी आपको एक रिफ्लेक्टर अलग से भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। ये पीछे वाली अगर किसी गाड़ी की लाइट लगती है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं बाई चांस तो ये गाड़ी के रिफ्लेक्टर के साथ काम करेगा। हैलोजन इंडिकेटर्स आपके थे जो कि पहले थे और वो भी आगे की भी पीछे भी सेम। तो ये हमारे मोनो सस्पेंशन शॉकर्स हैं हमारे, जो कि आपके थ्री टाइप एडजस्टेबल शॉकर होते हैं कि अगर आप उसको ऊपर से अगर आप खोलना चाहते हैं, ये देख रहे होंगे इस समय पॉइंट ज़ीरो है, इसको अगर आप ऊपर भी करना चाहते हैं ये तीन बारी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और गाड़ी को अपना चाहें तो अपने हिसाब से ऊपर भी उठा सकते हैं। जी अपनी भाई सारी डिटेल हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी, अब आप ये बता दो कि डाउन पेमेंट कितनी रहेगी, ऑन रोड प्राइस क्या है इसका, और ईएमआई कितनी बनेगी मेरे भाइयों के लिए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे वो सब आपने बताना। ठीक, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले गराजे के बारे में देखा है, और ये हमारा नया जो स्पोर्ट्स एडिशन गराजे है, इस गराजे की जो आपकी ऑन रोड प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 96,842 रुपीज़, ये कि आपकी ऑल ओवर दिल्ली की आपकी दिल्ली की रहती है, जिसमें हमारा जीरो डेप इंश्योरेंस, आरसी, रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट आपकी और एक्सशोरूम प्राइस इंक्लूड रहता है। इसके अलावा जब भी आप फाइनेंस कराते हैं आपको पता ही होगा आजकल हाइपोथिकेशन लगता है, जो कि आपकी बैंक की तरफ से लगता है। बैंक की तरफ से अगर आप ये आप देखेंगे तो हमारी IDFC बैंक कैपिटल, IDFC बैंक की तरफ से जो स्कीम चल रही है वो कि हमारी चल रही है 2500 डाउन पेमेंट, 2500 रुपीज़ डाउन पेमेंट सिर्फ, उसके अंदर आपकी ये चीज़ें हैं। उसके अंदर बस थोड़ी सी कंडीशंस ये हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्री हमें रिक्वायर्ड रहेगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप बिजनेस चलाते हैं छोटा मोटा कोई भी, तो हमें 6 से 6.5 लाख की ITR चाहिए होगी, घर आपका अपना होना चाहिए और 750 के अप्रॉक्स आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो 25,000 आपकी सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए, वही सेम चीज़ घर अपना अपना होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए और आपकी सैलरी जो अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए 25,000 और 750 के अप्रॉक्स आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। EMI की अगर हम बात करें तो EMI इसमें आपकी 12, 18, 24, 30, 36 तक आप बनवा सकते हैं, जितना लंबा आप टेन्योर खींचेंगे उतना लंबा आपका इंटरेस्ट गाड़ी के साथ एक्स्ट्रा पड़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि आप जब डाउन पेमेंट ही मिनिमम 2500 रुपये रख रहे हैं तो उससे आपसे आपका इंटरेस्ट भी बाइफर्केट करेगा। तो ढाई डिटेल आपके सामने हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, डिटेल मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में भी और नंबर आपके सामने भी आ रहा पूरी वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर आके वीडियो का वीडियो जरूर दिखा देना, थोड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। तब आपसे अगली वीडियो में, सॉरी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।